जो हाथ चाहता हूँ, और चूंकि मुजम्मिल हयात को आपके हवाले करना चाहता हूँ, इसलिए कि आपकी गुलूदगी दूर हो जाए, आप नींद के आगोश में जाने के करीब ही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको आपके हवाले करूँ। तमाम अपनों के दरमियान में खड़ा हूँ, चंद शेर पढ़ देता हूँ कि अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए, आई हाय बोल दीजिए लेके सुभान अल्लाह, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। थोड़ा सा और बेदार हो जाए तो मजा आ जाएगा। इधर से भी तवज्जो चाहता हूँ, मुजम्मिल हयात को गर्म कीजिए। मेरा दावा है कि इंशाल्लाह वो बंदा गर्म हो गया, उसके माथे पे पसीना आ गया, तो समझ लीजिए कि उसकी बैटरी 100 चार्ज हो चुकी है, और इंशाल्लाह जबरदस्त आपको सुना कर जाएंगे। उसके पास जो बेहतरीन माल और मटेरियल है आपके हवाले करने की कोशिश करेंगे। अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। हर उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है। अरे जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है। जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए। आइए मेरे दोस्तों, मुजम्मिल हयात को आपके हवाले कर रहा हूँ, जिन्होंने कभी एक बड़ा शेर कह दिया था कि सरहदों पर भेज सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। इस शेर के खालिक का नाम है मुजम्मिल हयात। मैं बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। हाजरीन गिरामी मुकर्रमी सामईन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, सबसे पहले अब जिस चीज के लिए मैं जाना चाहता हूँ, बस आज अभी उस चीज के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, बस बिला किसी तमहीद के मैं अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहूंगा, और यहीं से अगर आप बेदारी पेश कर देंगे तो कुछ नया सुनाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो बस पुराने से काम चला लूंगा। आइए हम सब मिलकर के दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें और बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही व सल्लम तस्लीमा। एक नात पाक का मतलब पहले सुन लें कुछ शेर, ये पुरानी नात पाक है, कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए आपने सुना भी होगा। पहले कब मैं यहीं से आगाज करना चाहता हूँ, हाजिर कर रहा हूँ मुलाहिजा फरमा लें, ईगो डाल दो बाबू थोड़ा सा, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही व सल्लम तस्लीमा। हाजिर कर रहा हूँ मुलाहिजा करें कि ये है पानी आए हाय, ये पानी के ये पानी बरसता है, ये पानी बरसता है सरकार के सदे हाजिर कर रहा हूं मुलाजा फरमाएं कि ये है पानी थोड़ा सा खोल दो बाबू बन मत करना कि ये है पानी बरसता है है सरकार रे सजे
बेदारी अगर पेश कर देंगे तो इंशाल्लाह पढ़ने में जो है थोड़ा सा लुत्फ आ जाएगा। थोड़ी सी बेदारी पेश करने पूरा मजमा लहरा, सुभान अल्लाह, थोड़ी सी बुलंदी पैदा करें। शायद ऐसे नहीं पड़ता है, आप पढ़वाना चाहते हैं थोड़ा सा बोलना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा जुड़िएगा तब मजा आएगा। हाजिर कर रहा हूं लहजा फरमाए, अगला शेर समाप्त करें। ये पानी बरसता है सरकार रे सजते के पूछे पूछे सुने दोस्तों, पूछे पूछे के पूछे जो कोई तुझसे कोई तुझसे बेसाखता कह देना, पूछे फिर कोई तुझसे बेसाखता कह देना, पूछे जो कोई तुझसे के पूछे पूछे जो कोई तुझसे बेसाखता कहे देना, के पूछे जो
दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा धड़कता है सरकार के सदे, दिल मेरा, दिल मेरा धड़कता है सरकार के सदे। कर रहा हूँ शायरी अगर हो गई हो तो मैं चाहता हूँ इससे तवज्जो चाहते हुए उलमाए किराम की मुलाहिदा फरमाए कि सांसों के सांसों की ये नेमत हो, जिम्मेदारान यहाँ बैठे आप सबकी शिरकत दुआएं चाहता हूँ। लहदा फरमाए कि सांसों की ये नेमत हो या रिज़्क की दौलत हो, सांसों की ये नेमत हो या रिज़्क की दौलत हो, सांसों की ये नेमत हो या रिज़्क की दौलत हो, कि मिलेगा कयामत में रहमत का साया, कि मिलेगा कयामत में, मिलेगा कयामत में, मिलेगा कयामत में रहमत का साया, हबीब खुदा शफ़ात मिले, मिलेगा कयामत में, मिलेगा कयामत में रहमत का साया, हबीब खुदा की शफ़ात मिले, सलामत रखोगे जो, के सलामत रखोगे जो, सलामत रखोगे जो तुम्हें अपना ईमान, खुदा की कसम तुमको जन्नत मिलेगी, सलामत रखोगे जो, के सलामत रखो तुम्हें जन्नत मिले।
کراماتوں کی حوالے کر رہا ہوں لہذا فرمائیں جائز جائز توجہ چاہتا ہوں کہ سلامت رکھو گے جو تمہیں اپنی ماں خدا کی قسم تم گزر کبوتر بنا دے کہ میرے رب مجھے تو کبوتر بنا دے کہ میرے جسم میں تو پروں کو لگا دے کہ میرے رب مجھے تو میرے رب مجھے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ سجا دیں گے پھولوں سے کہ سجا دیں گے پھولوں سے راہیں تمہاری کہ فرشتے بھی چومیں گے آنکھیں تمہاری سجا دیں گے پھولوں سے سجا تم گزر